बिग बॉस सीजन 14 का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है और इस हफ्ते में जहां कईयों ने लूटे पैसे तो कईयों को मिली थोड़ी सी मात। तो आपको बता ही देते हैं कि किसने कमाए कितने पैसे। राखी सावंत। बॉलीवुड डांसिंग क्वीन राखी सावंत ने शो के बीच में एंट्री ली थी, वो भी चैलेंजर बनकर, और उन्होंने इस भूमिका को बेहद उम्दा निभाया। इकलौती वो ही एक ऐसी चैलेंजर हैं जो फिनाले में पहुंची हैं। वहीं बात करें उनकी कमाई की, तो अगर वो शो जीतती हैं तो उन्हें प्राइज मनी तो मिलेगी ही, लेकिन इस शो में आने के बाद अब तक राखी 25 लाख रुपए कमा चुकी है। उन्हें हर हफ्ते 2.5 लाख रुपए फीस मिलते हैं। वो पिछले 10 हफ्तों से शो में बनी हुई हैं। निकी तंबोली। घर की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रही निकी शुरुआत से ही घर में है। हालांकि बीच में वो घर से बाहर हुई थी, लेकिन फिर चैलेंज के साथ उनकी वापसी हो गई। बात करें इनकी इनकम की, तो शो से निकी अब तक लगभग 21 लाख रुपए कमा चुकी हैं। उन्हें 1.2 लाख रुपए प्रति सप्ताह मिलते हैं। राहुल वैद्य। गायक राहुल वैद्य ने निजी कारणों से शो बीच में क्विट कर दिया था, लेकिन फिर उनकी वापसी शो में हुई। वो अब तक बिग बॉस के घर में 18 हफ्ते बिता चुके हैं और इन 18 हफ्तों में राहुल बिग बॉस से 18 लाख रुपयों की कमाई कर चुके हैं। इस हिसाब से साफ है कि उन्हें हर हफ्ते 1 लाख रुपए की रकम अदा की जाती है। रुबीना दिलाय। छोटी बहू जैसे सीरियल में रुबीना दिलाय को देखकर हर सास की इच्छा होती थी ऐसी बहू पाने की, लेकिन जब इनका ग्लैमरस अवतार सबके सामने आया तो इनकी सासों की सासे ही अटक गई होंगी। बिग बॉस में इन दिनों ये हसीना खूब धूम मचा रही हैं और जीत की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। पहले दिन से लेकर बिग बॉस हाउस में 19 हफ्ते तक टिकने वाली रुबीना को हर हफ्ते 5 लाख रुपए मिलते आए हैं। इस हिसाब से रुबीना अब तक 95 लाख रुपए कमा चुकी हैं। अली गोनी बिग बॉस 14 की शुरुआत से इसका हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वो बीच में शो से जुड़े थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा रकम दी जा रही है। अली गोनी को एक हफ्ते के 16 लाख रुपए मिलते हैं और 13 हफ्ते शो में रहकर वो 2.8 करोड़ रुपए अब तक कमा चुके हैं। तो है ना आपके लिए भी शॉकिंग बात कि इस सीजन में सबसे ज्यादा कमाई रुबीना ने नहीं अली ने की है। आपके क्या विचार हैं इस बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।